हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो एक परफेक्ट हेल्दी इंस्टेंट एंड टेस्टी इवनिंग स्नैक है। जी हाँ, यह है ढोकला, लेकिन ढोकला विद अ ट्विस्ट। ये हम बेसन से नहीं बनाएंगे सिर्फ, क्योंकि बेसन का ढोकला जो मुझे पर्सनली ना, मुझे गले में खाती हूँ ना तो थोड़ा चिपकता है, तो उसमें हम कुछ और इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और बिल्कुल चिपकेगा नहीं गले में। तो चलिए झटपट से बनाते हैं इस बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल्ट ऑफ लाइफ, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने एक बोल लिया और उसमें ऐड किया मैंने हाफ कप सूजी। हाफ कप के मेजरमेंट से मैंने इसमें ऐड किया हाफ कप बेसन और हाफ कप ही हम लेंगे इसमें दही। फ्रेश कर्ड होना चाहिए बिल्कुल। उसमें मैंने डाल दिया बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। हाफ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें ऐड कर दिया शक्कर पाउडर, चीनी जो होती है वो मैंने हाफ टी स्पून के लगभग ऐड किया। इससे बहुत ही हल्का सा मीठा ढोकले का टेस्ट आएगा जो बहुत टेस्टी लगता है। हाफ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें ऐड कर दिया नींबू का रस, और नींबू का रस ऐड करने के बाद इसे हम सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी। अब पानी आप एक साथ मत डालिए, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं ग्रेजुअली इसमें पानी डाल रही हूँ और हम पानी डालते डालते इसे मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बिल्कुल एक मीडियम कंसिस्टेंसी पे लाकर हम इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद बिल्कुल इस तरीके की हमारी कंसिस्टेंसी आ गई है, और अब इसे हम ढक कर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए, हमने बैटर को देखा और इसमें अब अभी ये काफ़ी थिक है, तो इसे एक ढोकले के बैटर की कंसिस्टेंसी तक लाने के लिए इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी अभी हमें इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से मुश्किल से हमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी इसमें लगेगा और ज़्यादा नहीं। तो मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, और पानी डालते देखिए आप, ये बिल्कुल जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारी आ गई है। फाइनली इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ सैशे जो है हमारा इनो का, तो इनो का जो ये हमारा सैशे है ये हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ग्रीसिंग जो इडली का जो मेन होता है ना सांचा, जिसमें हम इडली बनाते हैं, वो लिया, उसकी प्लेट्स को अच्छे से देखिए इस तरीके से ग्रीस कर लिया। बैटर को उसमें डालते हैं और इसे स्टीम कर लेते हैं। जैसे हम इडली को स्टीम करते हैं बिल्कुल नॉर्मल, उसी तरीके से हमें इसे भी स्टीम करना है, और एक बार बीच में चेक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के बाद। अगर क्लीन निकल जाता है हमारा नाइफ या जिससे भी आप चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ढोकला बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। उसे निकाल लेते हैं, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने आराम से निकल रहा है, और देख के आपको पता चल जा रहा है कि कितना सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बना है। अब तैयार कर लेते हैं इसका तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए पैन लिया, उसमें थोड़ा तेल डाला, तेल गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी डाल दी हरी मिर्च ऐसे लंबे स्लिट करके, और थोड़ा सा डाल दिया करी लीव्स। जब अच्छे से बिल्कुल तड़का तैयार हो गया, तो देखिए हमारी प्लेट में मैंने इडली इसको सजा दी है या ढोकले को सजा दिया है। अच्छे से इसके ऊपर हम तड़का डाल देंगे और फाइनली ऊपर गार्निश करेंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स से। और इसे आप सॉस, धनिया की चटनी किसी के साथ, इनफैक्ट आप इसे ऐसे भी खाएंगे ना, आप आराम से खा लोगे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें सूजी है। बहुत आराम से आप इसे खा सकोगे, आप इसे चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।